लाइन में आए हुए हर एक प्रियजनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद देती हूँ। आज गीत के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। बड़ौड़ा से सिस्टर एनी हमारे मध्य में है इस समय गीत गाकर परमेश्वर की महिमा करने के लिए। बड़ौड़ा से एनी कुटिया आंटी को लाइन में स्वागत करती हूँ। सबको जय मसीह। आवाज उड़ाएंगे हम साथ बजाएंगे, हे यीशु महान प्रणाम, हे गीत सुनाएंगे, हे यीशु महान प्रणाम, हे गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे संसार के सुंदरता में, तेरा जो तेरा ही इन चांद सितारों में, हे अब्सुल तेरा ही संसार के सुंदरता में, तेरा जो तेरा ही इन चांद सितारों में, हे अब्सुल तेरा ही महिमा की तेरी बातें हम सबको बताए, एक पाव मुहावत का तापन सगा कोई, सागर तुलपत का दृढ़ रखा जाना है, एक पाव मुहावत का तापन सगा कोई, सागर है तो पत से देंगे, ये यीशु महान प्रणाम, ये गीत सुनाएंगे, ये यीशु महान प्रणाम, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, नाले तो सगा हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में, ना देख सला हमको तू पाप के सागर में, मनुष्य आया आकाश से सागर में, मुक्ति का तू धारा है दुनिया को बताएंगे, यीशु महान प्रणाम, ये गीत सुनाएंगे, ये यीशु महान प्रणाम, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, प्रेज द लॉर्ड, आवाज उठाएंगे, हे यीशु महान अपना, हमारे परमेश्वर यीशु के जैसा कोई भी नहीं है। हालेलुया, इस परमेश्वर की महिमा करने के लिए हम सबों को परमेश्वर हालेलुया सहायता करे, मदद करे। थैंक यू आंटी फॉर द ब्लेस्ड सॉन्ग। परमेश्वर आपको आशीषित करे वचन से सुनाने के लिए। पास्टर बाबू श्यामल हमारे मध्य बड़ौड़ा से है इस समय में, पास्टर को लाइन में निमंत्रित करती हूँ।
पास्टर बाबू शामोल। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हम सब लोग अपने अपने स्थान पर हाथ ऊंचा कर परमेश्वर को मिलकर महिमा करें। हालेलुया 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 परमेश्वर या वह परमेश्वर आपका हरेक को बगारों के लिए धन्यवाद स्तुति हो। हालेलुया इस प्रेयर लाइन के लिए आपके दासी दासों के लिए हम धन्यवाद करते स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो आपकी महिमा हो आपकी प्रशंसा हो आपके जय जयकार हो। हालेलुया 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 परमेश्वर की महिमा हो। और प्रिया प्रभु का दास राजेंद्र प्रभु का दासी विजय सिस्टर और जुड़ा हुआ हरेक प्रभु के दासी दासों के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। बहुत भोज के साथ समर्पण के साथ चलाने वाले इस प्रेस लाइन के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। आप लोग हमारे लिए प्रार्थना करते करके हम जानते हैं और इसलिए हमें भी परमेश्वर ने एक अवसर दिया सौभाग्य दिया। आप लोगों को जितनों का नाम जानते हैं नाम लेकर प्रार्थना करने के लिए और खास तौर पर इस संचालकों को के लिए प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर ने अवसर देते हैं मैं एक सौभाग्य समझता हूँ। प्रभु हम सबों को जो एक आत्मा से जुड़ा हुआ है ताकि हालेलुया हमारा समर्पण और दर्शन एक ही बनकर आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर सहायता करते हैं। वहां पर भी अभी आप लोग बहुत दुख में है संकट में है क्योंकि कोरोना का बहुत असर वहां पर ज्यादा हो रहा है और इस महामारी के वजह से कई लोग दुखित है और जो जल प्रलय के वजह से भी कुछ लोग दुख में कई लोग दुख में है। प्रभु आप सबों को शांति दे तसल्ली दे सुरक्षा दे ये हमारी प्रार्थना है। और यहाँ पर भी जैसे प्रभु के दासी अगुवाई किया और प्रार्थना में याद दिलाया कि यहाँ पर कई प्रकार का सताव और समस्या बढ़ते जा रहा है उसके बीच में भी प्रभु अपने लोगों को हिम्मत के साथ खड़ा करते हैं संभालते हैं। इन सारी बातों को हम धन्यवाद के साथ याद करें। हालेलुया हम जानते हैं ये केवल हालेलुया प्रार्थना नहीं एक प्रकार का हालेलुया बोझ उठाना और बीच वाला बनकर कष्ट उठाकर तकलीफ के साथ दूसरों का आशीष के लिए छुटकारा के लिए हालेलुया गरार में खड़ा रहने का एक अनुभव है। इस बोझ जितनों को प्रभु ने दिया है वो करता रहेगा क्योंकि सबसे बड़ा एक बहुमूल्य बात है स्तुति और आराधना करना और प्रार्थना करना। हालेलुया और मैं एक बात याद किया जो भी शब्द हम प्रभु यीशु मसीह का नाम एड्रेस करके पिता परमेश्वर को एड्रेस करके यीशु मसीह के नाम से बताते समय उसका उसके अंदर एक ऐसा एक खूबियत आ जाता है कि वो एक सुगंध बनकर स्वर्ग में पहुंचने के कारण हम जो भी कहेंगे सब हालेलुया परमेश्वर को अच्छा लगेगा भले सुनने वाले को कैसे भी लगे लेकिन परमेश्वर को अच्छा लगता क्योंकि स्वर्ग में वो सुगंध के समान पहुंचते हैं यही कारण है। परमेश्वर इस प्रार्थना सभा को और आशीष दे अनुग्रह दे ये मेरी प्रार्थना है और हम लगातार प्रार्थना में बने रहे। मैं 4 बजे उठा 7:30 बजे तक प्रभु के चरणों पर बैठने के लिए प्रभु ने मदद किया और ये भी एक अच्छा आशीषित समय इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। और प्रभु की महान दया से पिछले संडे उससे पहले संडे एक जगह में 45 लोग और दूसरे जगह में 26 लोग प्रभु का आज्ञा मानकर पानी में गवाही ठहराया और इस संडे में 14 लोगों का में इस प्रकार का सेवगाई हुई। हालेलुया और करीबन 150-200 लोगों के अंदर इस साल में इस कोरोना के बीच में भी प्रभु ने इस प्रकार लोगों को तैयार किया। अभी भी इतना कम से कम बाकी है सब होने के लिए आप लोग प्रार्थना कीजिए। बस हमारा जीवन का यही मकसद है कि एक एक व्यक्ति को नरक से हल बचाने के लिए हम पीछे बैठकर भी प्रार्थना के द्वारा हो वचन के द्वारा हो प्रोत्साहन के द्वारा हो दूसरों को प्रोत्साहन देते रहें करते रहें ताकि परमेश्वर का राज्य को बढ़ाए और परमेश्वर का राज्य बढ़ते जाए और शैतान का राज्य घटते जाए। हमारी इच्छा है आपका भी वही इच्छा है आप इसलिए इतना कष्ट उठाते हैं। प्रभु आपको आशीष दे प्रभु का दास जो पास मन के लिए भी मैं धन्यवाद करता हूँ उनका भी सेवकाई के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। प्रभु उनको बहुत इस्तेमाल करते हैं आगे भी इस्तेमाल करें। अभी मेरा जो
मोबाइल में ये गंदा होने के बाद, ये गंदा होते हुए ये बंद होता है, ऐसे तकलीफ है, इसलिए मैंने अभी बंद कर कर शुरू करेगा तो भी आपका टाइम के हिसाब से होगा शायद। यदि बंद होगा तो फिर मुझे दोबारा मैं जोड़ूंगा, अभी कोई तकलीफ नहीं इधर जोड़ने के लिए, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। आज मैं आपके सामने इस प्रकार की एक बात शब्द रखना चाहता हूँ जो पवित्र आत्मा कुछ दिन पहले मेरे अंदर प्रेरणा दिलाया था, बात किया था, जैसे कि भजन संहिता 104, 104 इस प्रकार लिखा है, भजन संहिता 100 एंड उसका वर्स 4, उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। आमेन, हालेलुया। हम ऐसे एक झुंड है कि हमको इस प्रकार का सौभाग्य मिला है परमेश्वर के आंगनों में प्रवेश करने के लिए, सौभाग्य मिले है, हालेलुया। प्रवेश करने के लिए सौभाग्य मिला हुआ हम धन्य है। हमारे एक बहुत बड़ा खूबियत है परमेश्वर के आंगनों में अथवा उनके सानिध्य में, उपस्थिति में, पवित्र स्थान में प्रवेश होने के लिए परमेश्वर ने हमें सौभाग्य दिया है। इसके लिए परमेश्वर ने हमें आले किया है। हम जानते हैं कि यहाँ पर आराधना के साथ प्रवेश करने के लिए, हालेलुया, स्तुति के साथ, धन्यवाद के साथ, दो शब्द बताया है, धन्यवाद भी है और स्तुति भी है। मैं आपको बताया जरूर होगा कि धन्यवाद और स्तुति में भी फर्क है। धन्यवाद हम इसलिए करते कि परमेश्वर को बगैरों को याद कर कर, स्तुति जो है परमेश्वर की जो कि महिमा का या महिमा को याद कर कर उनकी महिमा का वर्णन करने के लिए स्तुति करते हैं, और इसमें दोनों में भी अंतर है। हालेलुया, ये फाटक के पास आते समय धन्यवाद देना, अंदर आ गया तो आंगन में आ गया तो स्तुति और आराधना, और है अति पवित्र स्थान तक प्रवेश होकर आत्मा और सच्चाई में आराधना करने के लिए भी परमेश्वर ने हमें अवसर दिया है। इसमें पवित्र आत्मा और हमारा आत्मा जोड़कर परमेश्वर की महिमा को वर्णन करते हैं, ऊंचा उठाते हैं, उपासना करते हैं। हालेलुया, इसके लिए बुलाए गए प्यारो, हम हमेशा यहाँ पर बैठे हैं, भले आप म्यूट में होगा लेकिन आपका मुंह खोल कर, दिल खोल कर, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा रहिए, ताकि परमेश्वर हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाएगा। मैंने आपको बताया हमें इस प्रकार से एक सौभाग्य मिला है उनके चरणों पर, उनके पास आने के लिए एंट्री मिला है, प्रवेश मिला है। हमको पता है बड़े बड़े राजमहल के चारों ओर जाके लोग देख के चले जाते हैं। अभी आपका प्रेसिडेंट के हमें व्हाइट हाउस में भी हो तो हम बाहर से देख कर चले जाते, क्योंकि इतना आसानी से अंदर जाने का मौका नहीं मिलेगा, अनलेस एंड अंटिल यू गेट ए प्रेयर, हालेलुया, परमिशन। हम तो प्रवेश नहीं कर पाएगा, राजमहल में आप नहीं जा पाएगा, क्योंकि बहुत बहुत सारे हमें हालेलुया सेनाओं या सिपाहियों वहां पर खड़े हैं देखिए। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारा परमेश्वर के पास कभी भी कोई भी, हालेलुया, उनके पवित्र चरणों तक वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हमें हालेलुया, ईश्वरों का परमेश्वर, हमें उनके पास आने के लिए, हालेलुया, जब हमको मौका मिला, ये तो बिल्कुल एक श्रेष्ठ बात है। हालेलुया, दिबाला बशर अदी दीदी खाला, इसलिए हम इसको श्रेष्ठ समझना, यही मेरा आज का मनन का मकसद। हालेलुया, और हम जानते हैं ये हमको मिला है यूहन्ना 3:3-5 तक लिखा हुआ वचन के अनुसार, प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार कहा, मैं सच सच तुमसे कहता हूँ, हालेलुया, पानी और आत्मा के द्वारा जन्म पाने बिना कोई भी स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं होंगे। मैं अभी प्रवेश के बारे में बताते समय केवल इस दुनिया में कोई एक संगति में प्रवेश होने के बारे में या कोई आराधनालय में प्रवेश होने के बारे में इतना भी नहीं, हम सब लोग जानते हैं स्वर्ग राज्य तक प्रवेश होने के लिए हमें हमें अधिकार या अवसर या मौका दे रखा है, हमें उसके लिए लायक बनाया है। इसलिए हम समझते सोचते कि इस दुनिया के सारे बातों से बढ़कर मुझे मिला हुआ ये सौभाग्य श्रेष्ठ है, ये संभाल कर, इसको संभाल कर मैं जरूर आगे बढ़ूंगा करके निर्णय लिया हुआ सारे प्रियों के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ।
हालेलुया। मुझे एक बात याद आया, मैंने शायद आपको बताया भी होगा कि मैं जब मस्कट में था, ओमान में था, वहां पर जो गोनू आया था, बहुत बड़ा एक तूफान, हालेलुया, आंधी तूफान आए थे, वो हजारों का नुकसान हुआ था। उस समय जिनको वो दर्शन मिला है, हमारे एक भाई था जॉर्ज करके, हम उनको अभी गोनू जॉर्ज चायन बुलाता है, गोनू उसका वो तूफान का नाम था, हालेलुया। इसी प्रकार प्रभु का दास को अगुवाई मिला राजमहल में जाकर बताने के लिए। उसने अपना बेटा को लेके वहां पर राजमहल के फाटक में गया, वहां पर अधिकारियों को बताया मुझे राजा से मिलना है, एक बात बताना है, लेकिन उनको अनुमति नहीं दिया अंदर जाने के लिए। इस प्रकार लोग आपको रोक कर रखेगा, लेकिन हमारे परमेश्वर के चरणों तक पाने जाने के लिए वहां पर हमारा हमें निवेदन, हालेलुया, हमारा बेली अर्पण करने के लिए हमको मौका मिला। यही है प्रार्थना, हालेलुया, और आराधना। इससे लिए और मैं आपको इस प्रकार बताना चाहता हूँ कि हालेलुया, हम हमारा समय को वो एक बहुमूल्य बात के लिए इस्तेमाल करते कि आप आता है, मैं जाता हूं कि हमें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के करीब, उनके नस्तिक, हालेलुया, वो उनके चरणों पर हम जाते हैं। जैसे हमको पता है मत्ती 6:6 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं कि हालेलुया, यीशु मसीह ने कहा, हाल पोटरी में प्रवेश करके, हालेलुया, दरवाजा बंद करके, हालेलुया, मैं देखने वाला स्वर्गीय पिता परमेश्वर के साथ बैठ कर प्रार्थना करना, ताकि गुप्त में जो प्रार्थना करते हैं उसको जहर में प्रतिफल दिलाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, ये भी बहुत बड़ी एक बात है। हालेलुया, क्या है, आमेन, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है तो भी आप अपना पिता के साथ बैठ कर बात करने के लिए वन टू वन रिलेशनशिप टॉक होता है। हालेलुया, हम जानते हैं आप कई दफ्तर में गए होंगे, बड़े बड़े हमें अधिकारी लोग बैठने वाले दफ्तर में, एक व्यक्ति अंदर गया तो जो सिपाही वहां पर बैठते हैं वो देखभाल करते हैं, वो बाकी को मना करेगा, अभी रुको, वो बाहर आने दो, बाद में आप जा सकता है करके। इस दुनिया में लोग हमको, हालेलुया, हमें रोक देते हैं, रोकेगा, लेकिन हमारा परमेश्वर तो करोड़ों का प्रार्थना सुनने के लिए तैयार है। वो प्रार्थना का एक प्रकार का तरीका ही हम हमको देखने मिलता है कि वन टू वन टॉक, हम दूसरा कोई इंटरप्शन बिना, तकलीफ रुकावट बिना, हालेलुया, हम परमेश्वर के साथ बात करने के लिए, इतना महान परमेश्वर के साथ बैठने के लिए हमको मौका दे रखा है, हम उसका इस्तेमाल भी करते हैं। इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। और दूसरी एक शब्द मैं आपको इस प्रकार याद दिलाकर आपका हिम्मत बढ़ाना चाहता हूँ कि ये हार्ट टू हार्ट रिलेशनशिप है। हालेलुया, वन टू वन टॉक भी है, हार्ट टू हार्ट रिलेशनशिप है। हमारा परमेश्वर का दिल, हमारा दिल हम परमेश्वर के सामने खोल देते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है, वो अपना दिल भी हमारे साथ खोल देता है। हमको पता है, हालेलुया, पत्मोस टापू में कोई दूसरा नहीं था, लेकिन वहां पर भी हम देखते हैं वन टू वन रिलेशनशिप, परमेश्वर के साथ अकेलापन में, हालेलुया, प्रभु का दास योहन्ना प्रेरित ने बात किया, हालेलुया, आराधना के लिए समर्पण किया, उतना में क्या किया, वो एक हार्ट टू हार्ट रिलेशनशिप था। प्रभु का दास अपना दिल खोल कर बताया, आपका वचन और आपका साक्षी के कारण मैं यहाँ पर आया हूँ करके उन्होंने अपना दिल खोल कर, हालेलुया, कोई समस्या को देखने बिना, हालेलुया, परमेश्वर के साथ जब हमें निकट आकर बात किया था, परमेश्वर भी उनके निकट आकर, हालेलुया, जैसे उसने अपना दिल खोल दिया, परमेश्वर भी अपना दिल खोल कर प्रभु का दास से बात किया। आज मैं एक चेतावनी, हालेलुया, एक भविष्यवाणी जैसे आपको सुनाना चाहता हूँ कि जब आप अपना दिल परमेश्वर के साथ अकेला बैठ कर खोलते समय, हालेलुया, वो एक दिल से दिल हल्की बात हो जाती है। इसलिए परमेश्वर अपना दिल भी हमारे लिए खोल कर हमें सुनाने वाला, बताने वाला, समझाने वाला परमेश्वर है। इस प्रकार हम परमेश्वर के ओर से संदेश पाकर दूसरों का आशीष के लिए बांटने वाले हैं। वो भविष्यवाणी हो, दर्शन हो, कोई प्रार्थना का भोज हो, हालेलुया, वचन का सेवकाई हो, क्यों कुछ भी क्यों न हो, हम इस प्रकार परमेश्वर से पाया हुआ है, हमारा खुद का कुछ नहीं, जो कुछ हमें हमारे पास है सब उनका आशीष है।
इसलिए इसका कारण है हम उनके साथ इस महान दयालु प्रेमी अनुग्रहकारी हालेलुया खुदावन के साथ हमारा संबंध रखने के वजह से एक है आराधना के लिए। उसमें भी क्या है, पहले हम धन्यवाद देते हुए, जैसे मैंने आपको बताया धन्यवाद देने के लिए मैं 1 घंटा जितना समय निकालता हूँ, उसके बाद आराधना स्तुति के लिए, आराधना के लिए, क्योंकि हालेलुया एक फाटक कर से फाटक से प्रवेश होने की अनुभव है तो दूसरा है अंकर प्रवेश होने का अनुभव। हालेलुया और नजदीक आना है, अभी कट हो जाए, हालेलुया शायद उसके बाद हम जानते हैं अभी हमें तीसरी एक अनुभव है आत्मा में आराधना करना। जैसे हम अकेला बैठकर आत्मा में आराधना करते समय हालेलुया हम अति पवित्र स्थान में प्रवेश होता है जहां पर दूसरे लोगों को आने का मौका नहीं है। हालेलुया लेकिन परमेश्वर हमें इस प्रकार के लिए योग्य बनाया है, इसको बहुमूल्य समझकर परमेश्वर के चरणों पर हम जाते रहे, प्रार्थना करते रहे, स्तुति कर धन्यवाद करते रहे, स्तुति करते रहे, आराधना भी आत्मा में करते रहे, ताकि हालेलुया हमारा परमेश्वर हमारे ऊपर अपना हाथ बढ़ाकर आशीष कर हमें शरीर में, प्राण में, आत्मा में चंगाई और छुटकारा देकर वापस भेजने वाला परमेश्वर है। हालेलुया आइए मिलकर थोड़ी देर परमेश्वर को धन्यवाद करें। हालेलुया ओ रीबा बाबा शरा दी रिवि कलम दूरा शतरे दी खबरा हालेलुया हालेलुया स्तुति हो आज आमेन हमें कट नहीं हुआ। हालेलुया हालेलुया अभी इसका कारण भी हम देखेंगे। हम इन वचनों को जानते हैं इब्रानी 9:12-19 में हम जानते हैं हमारे यीशु प्रभु ने हमारे लिए इस रास्ता को तैयार किया है। याद रखना हमें ये सौभाग्य अपना कोई खूबी से नहीं मिला है, अपना कोई प्रयत्न के वजह से नहीं मिला, वरन यीशु प्रभु के द्वारा हमारा जो संबंध हमने रखा है इसके वजह से हमें इस सौभाग्य मिला है। इब्रानी 9:12 में इस प्रकार हम पढ़ते हैं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और आनंद छुटकारा प्राप्त किया है। हमसे पहले हमारा प्रभु यीशु मसीह अपना पवित्र लहू बहाकर न बकरों का न बछड़ों का वरन अपना खुद का लहू के द्वारा एक ही बार, पुराना नियम में हर व्यक्ति के लिए हर बार महायाचक को अति पवित्र स्थान में प्रवेश करना था, लेकिन हमारा महायाचक महान होने के नाते कारण उनको एक ही बार प्रवेश होना था, इसलिए उन्होंने एक ही बार अपना लहू के साथ अति पवित्र स्थान में प्रवेश करने के कारण आज मुझे और आपको ये सौभाग्य मिला है। हालेलुया रीबा पारा सगदि दिखारा बलबा शंदरा दिखबारा हालेलुया। इसलिए हम यीशु प्रभु को आदर करते हुए आराधना के लिए हमारा तन मन धन को समर्पण करते कोई लज्जा बिना, हालेलुया शर्मिंदा होने बिना हम परमेश्वर को महिमा करते हैं। जहर में प्रार्थना हो आराधना हो करते हैं। हम 10:19 में भी इस प्रकार देखते हैं कि इसलिए हे भाइयों जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का कियाब हो गया है। आमीन। हमें हर रोज देखिए कितना आसानी से हियाब के साथ हम इस अति पवित्र स्थान तक आप पहुंचते हैं। हालेलुया ये कहां से इस हियाब मिला है, बस यीशु प्रभु ने अपना पवित्र लहू के द्वारा एक जीवित मार्ग खोल दिया। काल्वरी पहाड़ पर अपना शरीर को टुकड़ा टुकड़ा करके शरीर रूपी पर्दा को 2 भाग कर पुराना नियम में हालेलुया और महायाचक पर्दा हटाकर प्रवेश करते थे, लेकिन हमारा यीशु प्रभु नया नियम में अपना शरीर रूपी पर्दा को तोड़कर हालेलुया फाड़कर हालेलुया अति पवित्र स्थान में प्रवेश होने के कारण इस रास्ता से चलने के लिए
यीशु मसीह को दिल में स्वीकार कर कर नया जन्म पाए हुए लोगों को भी इस रास्ता खुला है। हालेलुया। इसलिए इस रास्ता से प्रवेश होकर मार्ग से हम चल के उनके स्थान तक पहुंचने के लिए हमें सौभाग्य दिया गया है प्यारो। हालेलुया। इस सौभाग्य को तुच्छ जानने वाले लोग भी है और उनके लिए मैं बहुत दुखी हूँ, क्योंकि और वचन में लिखा है मत्ती 5:20 में लिखा है, गलती 5:20 और 21 में लिखा है, सब बताने के लिए समय नहीं है। प्रकाशित वाक्य 22:15 में लिखा है कुछ लोगों को इस सौभाग्य का नुकसान हुआ है, अपना मनमानी से जीने के वजह से, अभी शारीरिक इच्छा और अभिलाषाओं के अनुसार जीने के वजह से कुछ लोगों को स्वर्ग राज्य में प्रवेश होने का सौभाग्य को नष्ट हो गया है। इसलिए इब्रानियों के पत्र में एक चेतावनी के रूप में बताया गया है कि हालेलुया इस आनंद विश्राम में, हालेलुया, इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है तो हमें डरना चाहिए, ऐसा न हो कि तुम्हें से कोई जन उससे वंचित रह जाए। हम डर के साथ आगे जीना है क्योंकि इस हालेलुया विश्राम में प्रवेश होने के लिए इसराइल लोगों के लिए ये विश्राम मरुस्थल से कनान में प्रवेश होने का था, तो मेरे लिए और आपके लिए इस मरुस्थल से स्वर्ग राज्य में प्रवेश होने का है। हमारा विश्राम का समय, हमें यहाँ पर विश्राम नहीं मिलेगा, ऐसा तो हालेलुया हो सकता है तो 18 घंटा नहीं तो 16-17 घंटा प्रभु के सेवा में लगे रहने के वजह से कभी कभी विश्राम कम मिलता है, लेकिन हालेलुया चिंता नहीं करना, आपके लिए अभी तो आराम नहीं है तो भी एक आराम रखा हुआ है, हमारा आराम के लिए प्रभु हमको एक दिन ले जाएगा वहां पर, हम उनके साथ फिर वहां पर कोई दौड़ भाड़ कुछ नहीं, वहां पर हालेलुया कोई प्रकार का दूसरा हमारा व्यस्त जीवन नहीं, एक ही काम है कि हम धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हुए स्तुति और आराधना करते हुए हमारे यीशु प्रभु के चरणों पर हालेलुया बैठे रहते रहे और उनको आराधना करें। हालेलुया, यही हमारा आराम का समय है, हमें विश्राम दिन बनाया 7वां दिन, अभी हमारे लिए 8वां दिन है, लेकिन हमारा आनंद विश्राम का दिन आने वाला है, इसके लिए हम तैयार रहना है। कई लोग परमेश्वर का वचन छोड़ कर जाने के वजह से उनको हालेलुया इस सारे सौभाग्य का नुकसान हुआ है, हालेलुया वो वंचित रह गया है, लेकिन हमारा जीवन में इस सौभाग्य को बहुमूल्य समझकर हम जीवन के अंत तक आगे कदम बढ़ाने के लिए पवित्र आत्मा हमें सहायता करे। हालेलुया, मेरे पास अभी समय कम है, बाकी 5 मिनट है, हालेलुया 8:30 के लिए मैं 5 मिनट में 2 दृष्टांत जो पवित्र आत्मा मुझे याद दिलाया था वो बताकर इसका जो महिमा महत्व को बताकर समाप्त करूंगा। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं नोआ का जीवन और उनका सेवकाई और वहां पर जो जहाज के बारे में जल प्रलय के बारे में सब हम जानते हैं प्यारो। हालेलुया, हमें जल प्रलय में जल प्रलय आने के बारे में नोआ ने बताया, लेकिन मानने के लिए कोई तैयार नहीं था, लेकिन केवल वो और अपना परिवार, बीवी और 3 बच्चे और उनके बहु लोग हालेलुया इस जहाज में प्रवेश हो गया। हालेलुया हालेलुया, लेकिन एक बात हम जानते, सारे जानवरों में से एक एक जोड़ी को अंदर घुसा दिया, हालेलुया प्रवेश करवाया। हमें एक प्रवेश करने के बारे में हमको यहाँ पर हमें इस प्रकार का एक संदेश पवित्र आत्मा दिलाता है। देखिए इस एक ही दरवाजा से नूह और परिवार जैसे प्रवेश किया, हालेलुया कलीसिया को भी एक ही दरवाजा है यीशु मसीह, हालेलुया स्वर्ग राज्य के लिए भी एक ही दरवाजा है, हालेलुया अभी जो वचन सुनकर मन परिवर्तन के लिए समर्पण कर कर इस दरवाजा से प्रवेश करते हैं उनको एक सुरक्षा प्रभु देता है, भले कोई भी समस्या संकट आने दो उसके बीच में से भी गुजर कर हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश होने के लिए हमें तैयार करने वाला पवित्र, हमें पवित्र आत्मा का कार्य के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। एक बात याद दिलाकर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, जैसे कि देखिए अभी 8 लोग अंदर प्रवेश हो गया, बाकी सब लोग बाहर है, हालेलुया उनके बीच में कितना गैप है, ज्यादा कुछ नहीं है,
हालेलुया, उस जहाज का जो दीवार को कितना गैप है, इतना ही गैप है, क्योंकि जब पानी बढ़ना शुरू हो गया, जलप्रलय बढ़ना शुरू हो गया, लोग उस हालेलुया दरवाजा पे, जहाज के दरवाजा पे आके खड़े थे। हालेलुया, अभी अंदर के लोग और बाहर के लोगों के बीच में बिल्कुल छोटा सा डिफरेंस है, अभी भी वही है हमें, बाकी सब लोग हाल इस प्रकार जीवन बिताता है आपके आजू बाजू में, लेकिन उनके और हमारे अंदर एक ऐसा हमें डिफरेंस है। हालेलुया, फर्क है कि हम प्रभु में है, बाकी लोग प्रभु से बाहर है। हालेलुया, इसलिए आज धन्यवाद से भरा हुआ दिल के साथ, आनंद से भरा हुआ दिल के साथ हमारा प्रभु को हम स्तुति करेंगे, क्योंकि दूसरे लोग और हमारे बीच में क्या अंतर है, उनको भी बीमारी है, हमको भी बीमारी है, हम वो भी कहते हम भी कहते, वो भी हमारे जैसे मकान में रहते, हमारे हमारे से बढ़कर उनको सुविधाएं होगा, लेकिन बात ये है कि हम यीशु मसीह में प्रवेश हो गया है, जहाज में प्रवेश हो गया। हालेलुया, इसलिए परमेश्वर को स्तुति और आराधना करना है प्यारों की, ये बात हम जानते हैं। और जो 10 कुवारियों के बारे में भी हम जानते हैं, पांच समझदार और 5 मूर्ख लोग। हालेलुया, और मूर्खों और समझदारों के बीच में यही अंदर है कि हालेलुया समझदारों के हमें हल मशाल के साथ वो तेल कुप्पी में ले लिया हुआ है, ये ही हमारा खूबी है प्यारो। हालेलुया, मूर्ख लोग पवित्र आत्मा को तुच्छ समझ कर, उसका सामर्थ को तुच्छ समझ कर, वो हालेलुया अपना मनमानी से बुद्धि से चलते समय याद रखना, हम प्रवेश होने के लिए दूल्हा आने वाला है, आवाज उठाएगा, हालेलुया, तुरही फूकी जाएगी, हालेलुया, और दरवाजा खोलेगा स्वर्ग का, हम उठा ले जाएगा उतना में, हालेलुया, हमारा ये फर्क मालूम पड़ेगा, जिनके मशाल के साथ कुप्पी में तेल लिया हुआ है वो जरूर ऊपर उठा ले जाने वाला है। रोमी 8 का हालेलुया 11 में हम पढ़ते हैं, ये सब आप जानते हैं, मेरे शब्द में समाप्त करना चाहता हूँ। हमारे जीवन में इस प्रकार का एक हाल सौभाग्य प्रभु ने दिया है, उस समझदार कुमारियों के समान हमारा जीवन रूपी आत्मा रूपी मशाल को जलाते हुए, हालेलुया, पवित्र आत्मा को साथ लेकर हमारा यीशु प्रभु जो दुल्हन के लिए हम इंतजार में है, एक दिन आकाश खोलेगा, हमें तुरही फूकी जाएगी, और हालेलुया स्वर्ग दूतों का आवाज सुनाएगा, हम बहुत बड़ा चिल्लाहट के साथ जब यीशु मसीह आएगा, जो प्रभु में सोए हैं वो जी उठेंगे, और जो जिंदा है वो रूपांतर होकर स्वर्ग राज्य में प्रवेश होने वाला है, हमारा विश्राम स्थान में, स्वर्ग राज्य में, हमारा वायदा का देश में प्रवेश होने के लिए हमें सौभाग्य मिला है। हालेलुया, हालेलुया, स्वर्ग राज्य में प्रवेश होने के लिए हालेलुया मौका मिले हुए प्यारों, हम धन्यवाद से भरा हुआ दिल के साथ हमारा जीवन का हर एक कदम को आगे बढ़ाए। मैं इसके लिए आपको प्रोत्साहन दिलाना चाहता हूँ, आत्मा का अभिषेक के साथ, भरपूरी के साथ हमारा मशाल को जला कर, हालेलुया, हमारा जीवन को देखकर दूसरे लोग भी अंधकार से प्रकाश में आने के लिए पवित्र आत्मा हमें इस्तेमाल करें, यही हमारे जीवन के सबसे बड़ा मकसद है। हालेलुया, हम इसलिए जीवन बिताते हैं दूसरों का उद्धार के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए। इन लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़ेंगे, उसके लिए हम दूसरा कुछ भी खर्च करेंगे, समय हो, तंदुरुस्ती हो, धन हो, कुछ भी खर्च करने के लिए हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम नष्ट नहीं समझते, वरन हम उसको श्रेष्ठ समझते हैं, क्योंकि एक आत्मा का उद्धार हमारे लिए बहुत कीमती है। इस प्रकार का एक प्रवेश, रह गए बहुत सारे लोग नाश के ओर, नरक की ओर गिर रहा है, वहां पर प्रवेश नहीं होना है, बस जैसे पानी में पानी से बहकर हाल नीचे समुद्र में बहती है, गिरती है, इसी प्रकार लोग पाप के पानी में, दुनियादारी बातों में से बहकर नरक के ओर, नरक में गिरती है। प्रवेश होने का सवाल ही नहीं, प्रवेश होने होना है तो आपको कदम रखना है, अभी हमारा कदम आगे बढ़ा रहा है प्रभु के साथ, इसलिए हम प्रवेश उनके साथ होने वाला है, वो हमें ले जाने वाला है, लेकिन जो शैतान के साथ चलते हैं वो गिरने वाला है, पाप में भी गिरेगा, हमें नरक में भी गिरने वाला है। इस प्रकार से, इस अवस्था से हमें बचाया, परमेश्वर को और धन्यवाद करते हुए आनंद के साथ हम उनके साथ चलेंगे, स्वर्ग राज में प्रवेश
हो जाएंगे। अभी भी हमको उसको उस हक मिला है, पूरी तौर से मिलने वाला है। मेरा परमेश्वर हम सबों को, आपको नहीं मुझे भी, इस सौभाग्य में अंत तक आगे ले चले। ये प्रार्थना के साथ अवसर दिया हुआ प्रभु का आदरणीय दास और दासी को, परिवार को, मम्मी भाई बहन, प्रभु के दास लोग, जुड़े हुए हर एक दासी दासों को धन्यवाद करते हुए मेरा शब्द समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको पवित्र आत्मा के द्वारा आशीष और अनुग्रह दे। आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। आमेन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो।